जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में ध्वजारोहण किया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि रविवार को देश के दो महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा सत्य व अहिंसा करने पर विश्वास करते थे, जो कि अब भी लागू होता है। जिसने भी इसका पालन किया वह हमेशा अपने कार्यों में सफल रहा। देश को आजाद कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक विशेष योगदान है। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौर, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध प्रणवंदा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा में जागे तब शुभ आशीष मार्गदर्शन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता झूठी सहानुभूति देते रहेंगे तो हम अपने अंदर का जो
सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप से सत्य बोलना चाहिए। अगर हम खुद से अगर सत्यता अगर रखेंगे, सही बात अपने आप के अंदर इम्पाइज करेंगे तो सुधार तो पक्का है। तो ऐसा नहीं है कि ये पुराना कॉन्सेप्ट है, अंग्रेज चले गए तो ये कॉन्सेप्ट का आज के डेट में कोई मीनिंग नहीं है। इनफैक्ट आज के डेट में इसका सबसे इम्पोर्टेंट मीनिंग है। आप देखिएगा जो जन सुनवाई में हम लोगों से मिलते हैं, 80% समस्या तो इस बात का है कि लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे। ये इसका जमीन घेर लिया है, उसका चक्कू घेर लिया है, लेकिन बात करने के लिए कोई फोरम नहीं है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहा है, जिसके कारण समस्या और बढ़ता जा रहा है। तो ये अहिंसा एक माध्यम है, टॉक इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। ये सिर्फ पब्लिक में लागू नहीं होता, हम लोग के साथ भी लागू होता है। तो आज इस विचार को जब पूरा विश्व इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मना रहा है, अलग अलग जगह स्टैचू लगाया जा रहा है, तो कम से कम हम लोग को इस बात को एडमायर करना चाहिए कि ये एक व्यू है जो हमारे यहाँ ओरिजिनेट हुआ है और हम इसको आपस में ही इस लोकतंत्र को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसको अपनाए, अपने अंदर एक बाइस है। और इसी के साथ धन्यवाद। साथ में आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस त्यौहार के अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पे सभी को बधाई। इसके अलावा मैं लोगों से यही कहूँगा, जनपद वासियों को यही मैसेज एक देना चाहूँगा कि इनका जो प्रिंसिपल था सत्यता और अहिंसा, ये आज भी लागू होता है और जिसने भी इसका अनुपालन किया है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। सभी इसको इम्पाइव करें अपने अंदर और इसको लागू करें।